नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। समाज सेवी विश्वनाथ पटेल ने राजस्व से जुड़े मामलों का खुलासा करते हुए थाना प्रभारी अमहिया एवं राजस्व निरीक्षक ललन सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। श्री पटेल ने कहा कि सिविल कोर्ट के स्थगन के बाद भी अवैध निर्माण कराया जा रहा है। कई बार थाना और राजस्व अधिकारियों से मिलकर उक्त स्थगन का आदेश का पालन कराने की बात कही, लेकिन अधिकारियों के द्वारा मिली भगत से अवैध निर्माण करने वालों को संरक्षण दिया जा रहा है। दरअसल मामला बदराव पटवारी हल्का चिरहुला सर्किल रीवा का है, जहां पे पंकज सिंह परिहार पिता सूरज सिंह परिहार निवासी छत्रपति नगर के द्वारा अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा है। बताया जाता है कि जमीन का स्थगन श्रीनिवास पटेल और निर्मा पटेल को मिला हुआ है, जिसके बावजूद भू माफिया पूर्व में बनी बाउंड्री को तोड़कर अवैध निर्माण करवा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं उक्त मामले का खुलासा करते हुए समाज सेवी विश्वनाथ पटेल चोटीवाला ने क्या जानकारी दी है। तालाब का मामला है, जिसमें भूमाफियाओं द्वारा पीड़ित श्रीनिवास पटेल और निर्मला पटेल की जमीन में अवैध निर्माण किया जा रहा है, जबकि सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त हुआ। इस संबंध में मैंने थाना प्रभारी अमहिया को भी सूचना की, राजस्व निरीक्षक तमाम राजस्व अधिकारियों को किया मैंने सूचित कि इसमें इस स्थगन आदेश का पालन कराया जाए, लेकिन अमहिया थाना प्रभारी जिस तरह से लापरवाही पूर्वक अवैध निर्माण पंकज सिंह द्वारा कराया जा रहा है, उनकी साठ गांठ है। लंबी लेन देन की वजह से वो किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने से कतरा रहे हैं और बार बार कहने के बाद भी वो आज तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं किए, जिससे लगातार भूमाफियाओं का हौसला बढ़ रहा है और लगातार हमारी बाउंड्री को तोड़ करके और अपनी बाउंड्री का निर्माण करा रहे हैं। हम लोग तमाम सारे अधिकारियों के यहाँ लगातार भटक रहे हैं, दर दर हुआ, लेकिन न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। और यदि अमहिया थाना प्रभारी और ललन सिंह के यदि फोन के कॉल डिटेलिंग की यदि जांच कराई जाए तो निश्चित है कि एक बड़ा मामला का खुलासा हो सकता है। इनकी लंबी साठगांठ है, ये लगातार संपर्क में है। मैं कल थाने में भी बैठा था, मैंने अनुनय विनय किया थाना प्रभारी अमहिया से, लेकिन उन्होंने पंकज सिंह को फोन करके केवल इतना कहा कि आप काम क्यों नहीं रोक देते हैं, जबकि घटना स्थल पर न कोई पुलिस प्रशासन को भेजा गया और न स्वयं गए कि इस तरह के मामले में कोई बड़ी वारदात हो सकती है, कोई लंबा वारदात हो सकती है, ढेकहा कांड के दूसरे पुनरावृत्ति हो सकती है। इस तरह की घटनाओं पर गंभीर होना चाहिए पुलिस प्रशासन को, राजस्व अधिकारियों को, लेकिन इसको मजाक बना दिया है और लगातार ये भूमाफियाओं को हौसला बढ़ा रहे हैं और लगातार वो अभी भी निर्माण कार्य जारी है, जिस संबंध में हम लोगों ने तमाम अधिकारियों को सूचित किया और आज इसी बात को लेकर के पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से शासन और सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए, जिससे इस अतिक्रमण पर रोक लगाई जा सके। जमीन किन की है ये? जमीन ये श्रीनिवास पटेल हमारे बीच में पीड़ित है, ये श्रीनिवास पटेल और निर्मला पटेल की है, क्रयशुदा जमीन है, इसकी रजिस्ट्री है और पंकज सिंह की जो रजिस्ट्री है वो नेशनल हाईवे गुड़ रोड से 100 मीटर 150 मीटर दूर है, उसके रजिस्ट्री में इसका उल्लेख है, लेकिन वो लगातार वहीं जहां हम मेरी जमीन है वहीं पर लगातार अतिक्रमण करके और बाउंड्री वॉल का निर्माण कर रहे हैं। अभी आपके आगे क्या कार्यवाही क्या करेंगे आप इसके? अभी तो हम कुछ कह नहीं पाए क्योंकि मेरा स्वास्थ्य भी अलाउ नहीं कर रहा है किसी भी चीज़ को करने के लिए, लेकिन अब जो भी होगा मैं चुपचाप जो तरीके से करूंगा, प्रशासन शासन चाहे परेशान हो चाहे जो भी हो, मैं देख रहा हूं एक दो दिन की क्या कार्रवाई होती है, इसके बाद मैं खुद आप लोगों के सामने आकर के एक बड़ा खुलासा करूंगा, इसके बाद फिर लंबी तैयारी करके और निश्चित है आंदोलन के रूप में हमें। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।